प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई के एक समारोह के दौरान भारत का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च कर दिया है। इस 5G टेस्ट बेड की मदद से टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रोडक्ट देश में ही टेस्ट और वैलिडेट कर पाएंगे। इससे कंपनियों की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। अब तक 5G टेस्ट बेड के अभाव में कंपनियों को 5G नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट की जाँच के लिए विदेशों का रुख करना पड़ता था। बताया जा रहा है कि 5G टेस्ट बेड को सेट करने में करीब 220 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 5G टेस्ट बेड को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि 5G टेस्ट बेड की स्थापना आधुनिक टेक्नोलॉजी में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं युवा मित्रों, शोधकर्ताओं और कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको बता दें कि 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अनुमान है कि अगले 1.5 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5G टेक्नोलॉजी का योगदान करीब $450 बिलियन का रहेगा। यानी 5G सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि रोजगार और डेवलपमेंट की भी रफ्तार को बढ़ाने वाला है। देश में 5G की सेवाएं जल्द से जल्द रोल आउट हो, इसके लिए हम सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस दशक के अंत तक देशवासियों को 6G सेवाएं मिल पाएंगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।